हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज गोटे गुरुत्वपूर्ण इनफर्मेशन टे आनी ओडिशा कलेक्टर ऑफिस तरफ रु बहुत गुडे वैकेंसी आसी एथिरे केस वर्कर हेल्पर हाउस फादर कुक हाउसकीपर स्टोर कीपर एवं टीचर पे पोस्ट आसी एथिरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बा शिक्षागत योग्यता देखा गले अष्टम नवम दशम एवं प्लस थ्री पास रखा है। एथिरे एज लिमिट बा बयस सीमा देखा गले 21-45 वर्ष रही। एथिरे 21-45 वर्ष प्रार्थी माने पोस्ट पे अप्लाई कर पारे। एथिरे सैलरी बा दरमा देखा गले 23,100 टंका रही। एथिरे कंप्यूटर टीचर पोस्ट पे मध्य वैकेंसी रही। ए पोस्ट रे ओडिसा रो सब जिल्ला रो पिला माने ए पोस्ट पे अप्लाई कर पारे। एथिरे लास्ट डेट बा शेष तारीख देखा गले 21/6/2023 रही। एथिरे एलिजिबिलिटी डिटेल्स कौन रही, एज लिमिट कौन रही, किपर अप्लाई करेंगे एवं सिलेक्शन टी किपर हो पार ए सब विषय में मुझे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी कहबी। आपड़ जदि एप्लाय करने को चाहते ये वीडियो टी संपूर्ण देखे ने जदि पसंद आसे गोटे लाइक करने और जदि चैनल टी नुआ कर तेज एवं ही सब्सक्राइब करने जहाद्वारा आगक आसुवा नुआ नुआ जब इनफर्मेशन गुड़िक डेली बेसिस रे पाई पारे। चलंतु देखने वा कौन रही यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन। प्रथम देखंतु ऑर्गेनाइजेशन देखियो गले ओडिशा कलेक्टर ऑफिस तरफ रु वैकेंसी आसी पर देखंतु ए पोस्ट को केव माने अप्लाई कर पारे ना एथिरे ओडिशा रा सब जिल्लार पिला माने ए पोस्ट पे अप्लाई कर पारे। टीचर पोस्ट पे उभय महिला एवं पुरुष पिला माने ए पोस्ट पे अप्लाई कर पारे। एथिरे जॉब टाइप केउ टाइप रो जॉब रहइबो फ्रेंड्स ए जॉब टी ओडिशा गवर्नमेंट रो जॉब रहइबो। नेक्स्ट देखंतु पोस्ट डिटेल्स केउ सब पोस्ट रो नियुक्ति रहिछि। एथिरे टीचर पे पोस्ट रहिछि आपनकर सब्जेक्ट अनुसार आपन ए टीचर पोस्ट अप्लाई कर पारे। आपन जदि प्लस 3 सेही सब्जेक्ट करछन्ति ताले सेही सब्जेक्ट अप्लाई कर पारे। ग्राम रोजगार सेवक पे पोस्ट रहिछि, काउंसलर पे रहिछि, केस वर्कर हाउस पारामेडिकल स्टाफ स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट कुक हेल्पर कम नाइट वॉचमैन एवं हाउस कीपर पे पोस्ट रही। नेक्स्ट देखो ए पोस्ट में मिले हुआ सैलरी बा दरमा देखियो गले ए टीचर पोस्ट में 25,000 सैलरी रखा है। यदि आप ए पोस्ट पाउछन ताले प्रति मास रे 25,000 दरमा पाई परबे। सेपरी काउंसलर पोस्ट रे 23,170 रही। केस वर्कर रे 23,100 टंका रही। हाउस फादर रे 14,564 टंका सैलरी रही। पारामेडिकल स्टाफ रे 11,916 टंका सैलरी रही। सेपरी स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट रे 18,536 टंका सैलरी रही। सेपरी स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट रे 18,536 टंका सैलरी रही। कुक पोस्ट रे 9,930 टंका सैलरी रही एवं हेल्पर कम नाइट वॉचरमैन एवं हाउस कीपर पोस्ट रे 7,944 टंका सैलरी रही। नेक्स्ट देखंतु एई सब पोस्ट को आवश्यक थिबा एज लिमिट बयस सीमा देखिबा गले 1/1/2023 अनुसार जनरल प्रार्थी मान पर 21-45 वर्ष रही। एथिरे 21-45 वर्ष प्रार्थी माने एई पोस्ट पे अप्लाई कर पारे किंतु गवर्नमेंट गाइडलाइंस अनुसार ओबीसी कैटेगरी प्रार्थी मान पर 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही। सेहिपरि एससी एसटी पिला मान पर 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही। फिजिकल हैंडिकैप थिले 10 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही। आपण जदि एई पोस्ट अप्लाई करबाक इंटरेस्टेड रखुछन ताले किपरि अप्लाई करिये ना एथिरे ऑफलाइन माध्यम ने अप्लाई कर पारे किंतु ए टीचर पोस्ट आपणकर केवल डेट ऑफ इंटरव्यू टी रही 23/6/2023 तारीख दिन आपणकर इंटरव्यू टी रही। एथिरे लास्ट डेट बा शेष तारीख देखिबा गले 15/6/2023 रही किंतु अन्य समस्त पोस्ट रे आपणकर लास्ट डेट 21/6/2023 रही। एथिरे एप्लीकेशन फी किछ नै, नो फी रही। आपण कोनसी प्रकार एप्लीकेशन फी दबा पड़ो नै, समस्त संपूर्ण मागणा रे ए पोस्ट पे अप्लाई कर पारे। ए पोस्ट रे अप्लाई करबा जदि इंटरेस्टेड रखुछन्ति तारे अप्लाई कर पारे। एथे देखंतु कोन कोन डॉक्यूमेंट आवश्यकता रही ना एथिरे समस्त एजुकेशन क्वालिफिकेशन रो जेरॉक्स को बार करबे, सेटा सेल्फ अटेस्टेड करबे एवं एई एड्रेस रे डिस्क्रिप्शन बॉक्स थिबा एड्रेस रे 21/6/2023 सुधा सेठारे पहुंचेबे। एई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रे लास्ट पेज रे एप्लीकेशन फॉर्मेट रहिछि सेडा को डाउनलोड करिवे, प्रिंट बाहर करिवे, सेडा फिलअप करिवे। ता सहित आपनको समस्त एजुकेशन क्वालिफिकेशन रो मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट को जेरॉक्स करिवे, सेल्फ अटेस्टेड करिवे। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जदि अछि सेडा मध्ये जेरॉक्स करिवे, सेल्फ अटेस्टेड करिवे। तापर रिसेंट कलर पासपोर्ट मध्ये आपनर एप्लीकेशन फॉर्मेट रे पेस्ट करिवे। ता सहित केस सर्टिफिकेट जदि अछि केस सर्टिफिकेट रे मध्ये आवश्यकता रहइबो। तापर आपनर वन आइडेंटिटी प्रूफ जोडा कि आधार कार्ड होंतु किबा वोटर कार्ड आईडी कार्ड हो किबा ड्राइविंग लाइसेंस हो एथि मध्ये रो वोटर रो आवश्यकता आपनकु रहइबो। नेक्स्ट देखंतु सिलेक्शन प्रोसेस टी किपर रहो ना एथिरे कोनोस प्रकार एग्जाम नाही। आपन जदि टीचर पोस्ट पे अप्लाई करबे ताले एथिरे डायरेक्ट इंटरव्यू टी रहिछि 23/6/2023 तारीख दिन आपनर इंटरव्यू टी वॉक इन इंटरव्यू रही। आपन सेठारे पहुंचबे एवं इंटरव्यू टी देबे किंतु अन्य समस्त पोस्ट रे
ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ମାର୍କ ବେସିସରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟି ହୋଇପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କିପରି ହେଉଛି ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ଟି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅବଜର୍ଭେସନ ହୋମ ବଏଜ ହଷ୍ଟେଲ ତରଫରୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏହି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟି ଆସିଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 21/6/2023 ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। କେଉଁନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ଅଫିସ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇନଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଲ୍ଡ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପିନ୍ ନମ୍ବର 752056। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 21/6/2023। ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟି ରହିଛି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସଫଟୋ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଜେରକ୍ସ କପି ବାହାର କରିବେ। ସେଟାକୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ। ତାପରେ ମାର୍କସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜେରକ୍ସ କପି ବାହାର କରିବେ, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ। HSC +2 +3 ସମସ୍ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ଜେରକ୍ସ କପି ବାହାର କରିବେ, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସଫଟୋକୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜେରକ୍ସ କପି ବାହାର କରିବେ, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ସେ ଏତିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜ ବା ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି 1 ପୁରୁଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ PG ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ। ଯଦି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କିମ୍ବା ସୋସିଓଲୋଜି କିମ୍ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏହି ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ କରିଛନ୍ତି PGରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 21-45 ରହିଛି। 1/1/2023 ଅନୁଯାୟୀ 21-45 ରଖାଯାଇଛି। ଏତେ ସାଲାରୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 23,100 ସାଲାରୀ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କାଉନସିଲର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି +3 ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସୋସିଓଲୋଜି ସାଇକୋଲୋଜି ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ କାଉନସିଲିଂରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 1 ଇୟର୍ ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି। ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ହେଉ କିମ୍ବା ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି 1 ଇୟର୍ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 21-45 ରଖାଯାଇଛି। ସାଲାରୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 23,170 ସାଲାରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରୋବେସନ ଅଫିସର ବା କେସ୍ ୱାର୍କରରେ 1 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଥିରେ +3 ପାସ୍ ମଗାଇଛି। ଯଦି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ମିଳିପାରିବ। ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କିମ୍ବା ସୋସିଓଲୋଜି କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ମିଳିପାରିବ। ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ଦେଖିବା ଗଲେ 23,100 ରହିଛି। ସେହିପରି ହାଉସ୍ ଫାଦରରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଅର୍ ସୋସିଓଲୋଜି ଅର୍ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ଦେଖିବା ଗଲେ 14,564 ରହିଛି। ସେହିପରି ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଫାର୍ମାସି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଫାର୍ମାସି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ଦେଖିବା ଗଲେ 11,916 ରହିଛି। ସେହିପରି ଷ୍ଟୋର କିପର କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟରେ PG ଯଦି କମର୍ସ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା MBA କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ 18,536 ରହିଛି। ସେହିପରି କୋ ହେଲ୍ପର କମ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ହାଉସ୍ କିପରରେ 8ମ, 9ମ ଓ 10ମ ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ 8th, 9th, 10th ଯଦି ପଢିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହି କୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ 9,930 ସାଲାରୀ ରହିଛି ଏବଂ ହେଲ୍ପର କମ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ହାଉସ୍ କିପରରେ 7,944 ସାଲାରୀ ରହିଛି। ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନଟି ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଅନୁସାରେ ମାର୍କ ବେସିସରେ ସିଲେକ୍ସନଟି ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ମେଟ୍ରିକରେ 10 ମାର୍କ ରହିଛି, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ +2ରେ 15 ମାର୍କ ରହିଛି, +3ରେ 25 ମାର୍କ ରହିଛି। ଯଦି PG କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ 30 ମାର୍କ ରହିଛି ଆଉ ଏନି ଅଦର ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ 10 ମାର୍କ ରହିଛି। ଯଦି ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ 10 ମାର୍କ ରହିଛି। ଏହି ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କିଂ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ। ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମେରିଟ୍ ବେସିସରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନଟି ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ khordha.nic.in ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ବକ୍ସରେ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନଟି ରହିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଲେଖିବେ, ଏଥିରେ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସପୋର୍ଟକୁ ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଲେଖିବେ, ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ମଦର୍ସ ନେମ୍, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସବୁ ଲେଖିବେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟଲି କେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ୱାର୍କିଂ କେବେ କାମ କରୁଥିଲେ, କେତେ ମାସ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲେଖିବେ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖିବେ, ଯଦି ଇଂଲିଶ
कंप्यूटर कौन जानी पैकेज से गुड़ लिखे सिग्नेचर करेंगे प्लस डेट लिखे सेंड करेंगे टीचर पोस्ट नोटिफिकेशन रही देखा देखो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट तरफ आसी एडवर्टाइजमेंट नंबर टी देखा 106 EMRS अच्छी डेट टाइट देखा 29/5/2023 तारीख दिन यही नोटिफिकेशन टी रिलीज कर देखो पीजीटी इंग्लिश रही एक गोटे वैकेंसी रही जो पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश विथ 50% मार्क एंड बीईटी रखाई पीजी जदि इंग्लिश सब्जेक्ट करते पीजीटी इंग्लिश पोस्ट अप्लाई करेंगे सालारी देखिए 25,000 सालारी रही समस्त पोस्ट रे एज लिमिट रही 62 years से पीजीटी फिजिक्स रही पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स कर 50% मार्क आईटी करोस्ट एप्लाय करेंगे पीजीटी केमिस्ट्री रही मैथ रही बायोलॉजी पीजीटी कंप्यूटर साइंस रही जोटा कि बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी रे किंबा एमसीए करा एमएससी कंप्यूटर साइंस कर 50% मार्क जो रखी आई पीजीटी कंप्यूटर साइंस एप्लाय करेंगे टीजीटी मैथ रही जोटा कि मैथमेटिक्स बीएससी करेंगे मैथमेटिक्स जब अनर्स रखी थे कि पास रखी थे सब्जेक्ट सहित 50% मार्क आईड करते पोस्ट एप्लाय करेंगे सालारी देखे 22,000 टाँग सालारी रही एज लिमिट सेम रही 62 वर्ष रही टीजीटी हिंदी रही टीजीटी सोशल साइंस टीजीटी ओडिया पीईटी टीचर रही जोटा कि आप प्लस थ्री पास कर 50% मार्क रखी सहित बीपीईटी जो करीईटी पोस्ट एप्लाय करेंगे कंप्यूटर टीचर पोस्ट रही वैकेंसी देखे तीन गोटे वैकेंसी रही बीई करते कि बीटेक करते कंप्यूटर साइंस किंबा आईटी रे किंबा पीसीए मध्ये करथले ए पोस्ट अप्लाई कर परे बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करथे जदि 50% मार्क आनचंदे ताले ए पोस्ट अप्लाई कर परे एते सालारी देखले 22,000 टका मंथली सालारी रहिचे एज लिमिट देखले 62 वर्ष रहिचे एते लास्ट डेट देखियो गले 15/6/2023 रखायछि 23/6/2023 तारिख दिन आपनकर वर्क इन इंटरव्यू रहिचे आपन समस्त एजुकेशनल डॉक्यूमेंट गुडी को ओरिजिनल सर्टिफिकेट एवं जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करथे सेगुडी सब धरिक जिबे एई एड्रेस को जिबे आपनकर भाइबस्टी रहिचे भाइबस्टी जदि आपन भलो करचोंदे ताले आपनर सिलेक्शन टी होइ परियो ग्राम रोजगार सेवक जोडा कि नयगढ़ डिस्ट्रिक्ट तरफ आसीअछि आपण चाहिले मध्ये nayagarh.nic.in साइट कि जिबे सेथिरे आपण से नोटिफिकेशन टी डाउनलोड करिवे एवं ग्राम रोजगार सेवक रो नोटिफिकेशन देख परे एवं अप्लाई मध्ये कर परे मु से नोटिफिकेशन टी आम चैनल रे डिस्क्रिप्शन बॉक्स थियो आपण चाहिले मध्ये डाउनलोड करि परे एटा थिला मोर इनफॉरमेशन जदि आपनको पसंद आसिला निजो निजो संगसाथी मानको शेयर करंतु ओ आम चैनल टी को सब्सक्राइब करनु।